ओम श्री विद्याय नमः। मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप मकर राशि के लिए। ये जुलाई के महीने में सूर्य, शुक्र और बुध तीन ग्रहों की स्थिति परिवर्तन होने वाली है। उसमें मुख्य रूप से सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह, सबसे ज्यादा तो सूर्य महाराज आपको लाभ देने वाले हैं। यहां शनि की साढ़े साती के दौरान सूर्य से मिलने हुए लाभ आपको बहुत पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती में व्यक्ति गुजरता है तब ऐसे में इस प्रकार के ग्रह गोचर, जैसे कि कड़ी धूप में कोई छायादार वृक्ष के नीचे व्यक्ति आ जाए और उसका उस समय जो उसे आनंद महसूस होता है उस प्रकार से यह ग्रह योग बनाते हैं। यानी कि ये सूर्य महाराज इस समय आपके लिए एक छायादार वृक्ष का कार्य करने वाले हैं, जो कि आपको तरुण हवा और छाया प्रदान करने वाले हैं। अब क्या लाभ सूर्य की इस स्थिति के कारण आपको मिल सकता है, इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो मुख्य रूप से इन तीन ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा, ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं और क्या क्या घटनाएं इस समय अवधि के दौरान आपके साथ में हो सकती हैं। लगभग 17 घटनाएँ मकर राशि वालों के लिए, लगभग ज़्यादा घटनाएं इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में रखी गई हैं, क्योंकि हमारे लिए समझना अति आवश्यक है किस प्रकार से क्या कुछ हो सकता है, ग्रह गोचर क्या चीज़ें दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिष जो है, ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें किस मार्ग पर जाना है, किस मार्ग पर नहीं जाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस जुलाई के महीने को अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करें। साथ में आपको इस महीने ग्रह दोषों से बचने के लिए क्या उपाय करना है, महीने को शानदार बनाने के लिए क्या उपाय करना है, धन संचय के लिए, आर्थिकता के लिए, आपके शारीरिक कष्टों के लिए, कोई बीमारी चल रही है उसके लिए, या किसी भी प्रकार की चिंता टेंशन के लिए क्या उपाय आपको इस अवधि में करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज बताया जाएगा। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से मेरा एक छोटा सा अनुरोध कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर SVTSS के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ में जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल हमें कर सकते हैं। अब हम आते हैं मकर राशि वालों के लिए मुख्य रूप पर ग्रह गोचर पर। देखिए 6 जुलाई को सूर्य महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज। अभी क्या है कि सूर्य की जो स्थिति बनी हुई है वह आपके छठे भाव में बनी हुई है और छठे भाव में रोग, रिपोर्ट, ऋण, शत्रु, यानी कि कुल मिलाकर सूर्य वहाँ पर ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं कर रहे, परंतु अब क्या है कि उसी भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में जब सूर्य प्रभाव करेंगे, ऐसे में मान लीजिए आप पर कोई लोन है, कोई आप पर शत्रु आपके लिए परेशान कर रहे हैं, आपको रिपो है, कोई ऋण है, किसी प्रकार की रोग है, शरीर के अंदर शारीरिक कष्ट है, इन सभी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई लोन पास नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा कोई इस प्रकार है, आप कार्य के लिए आप रुके हुए हैं, पैसों का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आपको जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में लगभग 16 जुलाई को सूर्य महाराज वे कर्क राशि में आ जाएंगे, तब आपके सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में प्रवेश करने के कारण से आपके कार्यों में अब आपको थोड़ी सफलता मिलने लग जाएगी। 7:30 के दौरान भी आपको यहाँ पर सूर्य महाराज की कृपा प्राप्त होगी, भले ही आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हों, परंतु सप्तम स्थान को कार्य भाव भी माना जाता है और कार्य का 50% आपको माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, तो इसलिए आपको वहाँ पर कार्य से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ सूर्य महाराज जरूर दे करके जाते हैं। सूर्य 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि महाराज का ही नक्षत्र है। अब यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से सूर्य की स्थिति और बेहतर हो जाएगी और आपको 4 चरणों में 4 प्रकार से सूर्य यहाँ पर लाभ देंगे। हालांकि आपको बाद में बताते हैं कि इसका आपको क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे उसके बाद में बुध की स्थिति की बात करें तो बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में ही आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। लगभग सूर्य बाद में आ रहे हैं, तो लगभग 24 जुलाई को मान करके चलें कि जब
बुध की स्थिति लगभग 24 जुलाई में जो है सिंह राशि में होगी, उससे पूर्व कर्क राशि में होगी, और सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे। इस हिसाब से 16 जुलाई के करीबन आपका बुध आदित्य योग का निर्माण होगा सप्तम भाव में, तो इसके कारण से आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलता हुआ नजर आता है। सप्तम भाव पर सूर्य का जब प्रभाव होता है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए उसको कष्टकारी मानते हैं, तो इसलिए आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का वेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी आपस में किसी प्रकार की कोई नोक झोंक, कोई गुस्से में कोई इस प्रकार की बात नहीं बोलनी है जिससे संबंधों पर कुछ फर्क पड़े, इस चीज का ध्यान रखना है। बुध 20 जून में अस्त हो चुके हैं और अब 12 जुलाई को उदय होंगे। बुध का उदय होना भी आपके व्यापार कौशल के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपके कुटुंब परिवार के लिए बहुत शुभ और शानदार माना जा रहा है। शुक्र 6 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अब मकर राशि वालों के लिए मुख्य योग कारक ग्रह यहाँ पर शुक्र महाराज की स्थिति होती है, परंतु 6 जुलाई को उनके अष्टम भाव में जाने के कारण से, सिंह राशि पर जाने के कारण से कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा अपने कार्यों को लेकर के परेशानी या चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम डिले हो सकते हैं, मिलने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वे डिले हो सकते हैं, और उनमें जो मिलने वाला मुनाफा है वह अभी ना होकर के पता चला कि कुछ समय बाद मिल रहा है, ऐसी इस समय अवधि में हो सकता है। हालांकि अपने व्यापार में आप नई नई चीज़ों का निवेश करेंगे, अपने करियर के लिए आप थोड़ा धन खर्च करेंगे, शुक्र महाराज की स्थिति आपको भ्रमण भी कराएगी, ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। शुक्र 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मिलने वाले प्रॉफिट्स में जो हमें लाभ मिलने जा रहा है तो वह हमें धीमी गति से मिलेगा, परंतु हमें एक स्टेबिलिटी वाला जो काम है वह हमें मिल जाएगा। अब क्योंकि शुक्र हमारे दशम भाव के भी स्वामी हो गए, पंचम भाव प्रेम प्यार के भी हो गए, तो इसलिए आपको प्रेम संबंधों में भी थोड़ा ध्यान रख करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि तो अष्टम भाव में जब भी शुक्र का प्रभाव रहेगा तो उसके फलों में कमी तो आएगी। अब बात करते हैं मुख्य रूप से अपनी घटनाओं की। पहली घटना क्या है कि आर्थिक जीवन के लिए मिले जुले परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि जो सूर्य महाराज की स्थिति अवहेल आपको लाभ दिलाने वाली है। दूसरी घटना को देखें तो शनि की जो स्थिति के कारण से धन प्रवाह में कुछ गड़बड़ी जरूर महसूस हो सकती है, क्योंकि शनि आपके धन भाव में वक्री अवस्था में है। तीसरी घटना को देखें तो इसलिए आपको धन की बचत करने के लिए प्लान बना करके चलने की आवश्यकता होगी। यदि आप निगरानी करके और प्लान बना करके कार्य को करेंगे, आपका जहाँ पर धन खर्च होना है, कहाँ पर कितना खर्च होना है, कहाँ से कितना प्रॉफिट आना है, इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके जो जरूरी चीज़ है उन पर धन खर्च करेंगे तो आपको जो है लाभ जरूर होगा। तो इसीलिए धन बचत करने के लिए प्लान बना करके जरूर चलें। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे घर पर बृहस्पति की स्थिति के कारण से परिवार की जरूरतों के लिए भी धन खर्च होगा। बृहस्पति और राहु दोनों ही आपके चतुर्थ स्थान पर हैं, चतुर्थ भाव पर हैं, जो कि परिवार के सुख का भाव माना जाता है, इसलिए वहां पर आपको धन खर्च के योग दिखाई देते हैं। पांचवी घटना को देखें तो प्राथमिकताएं धन खर्च करवा सकती हैं। कुछ मैंडेटरी चीजें ऐसी आ सकती हैं अचानक से कि जहां पर आपको आपने सोचा कि बस मेरा तो इतना ही खर्च हो गया, परंतु जरूरत जो है जरूरतें धन खर्च करवाती हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। छठी घटना की बात करें, अच्छी बात यह है कि ज़्यादा धन खर्च आपकी घर की सुख सुविधाओं पर होगा, यानी कि नुकसान में धन खर्च नहीं होगा। जो धन खर्च हो रहा है उसके बदले में आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने परिवार के लिए लेकर आएंगे, तो इसको हम नुकसान भी नहीं मानते, ये हमारे एक तरह से प्रॉफिट ही है। और सातवीं घटना को देखें तो इस महीने घर में रखी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। कुछ महंगी चीज़ें हैं घर के अंदर, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, या आपकी कोई पर्सनल चीज़ हो गई, या घर में रखे हुए जो धन है पैसा है उसका आपको ध्यान रखना है, और ख़ासकर अपने घर की महंगी चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके नफ़े नुकसान के योग बनते हैं। आठवें पॉइंट को देखें तो घर के अंदर से ही चोरी होने की संभावना इस समय अवधि में बन जाती है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें संभाल कर रखनी है। मुख्य रूप से गोल्ड को संभाल करके रखना है। बृहस्पति जो है स्वर्ण के भी प्रतीक माने जाते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी नौवीं घटना को देखें तो अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माँ के स्वास्थ्य के सिलसिले में कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल में आना जाना आपको पड़ सकता है, जहाँ पर आपका स्वयं का भी धन खर्च होने के योग बनते हैं। दसवीं घटना को देखें तो चिंता का सबसे बड़ा कारण जो है केवल और केवल घर परिवार में किसी ना किसी के कुटुंब
कि जो है स्वास्थ्य का खराब होना ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और बड़ी चिंता नहीं है। आपके करियर को, आपके फ्यूचर के लिए आपको निरंतर प्रयास करते हुए इस समय अवधि में शनि महाराज आपको कार्य करवाएंगे। हालांकि एक पॉजिटिव चीज यह है कि अब आप फर्स्ट बार, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, पहली दूसरी बारी में सफलता भले ही ना मिले, परंतु तीसरी बारी में सफलता दिखाई देती है कि व्यक्ति को मिल जाएगी। इसलिए अपने कार्यों में आप प्रयत्नशील रहें, अपने कार्य को करना बिल्कुल न छोड़ें। 13वीं घटना को देखें तो राहु पाचन संबंधित थोड़ी दिक्कतें कर सकते हैं, और 14वीं घटना को देखें तो दशम भाव का केतु धार्मिक यात्राएं कराता है, व्यक्ति को भ्रमण करवाता है, तीर्थ यात्राओं पर भ्रमण कराता है और अध्यात्म की जो है खोज में लगाता है। 15वीं घटना को देखें तो मुश्किलें और चिंताओं को दूर करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। 16वीं घटना को अब देखते हैं, यहाँ पर अब सूर्य महाराज की स्थिति पर बात होगी। सूर्य जब बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके उपरांत शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र में, जब पहले चरण में सूर्य जाएंगे तो कुछ शारीरिक मानसिक चिंता दे सकते हैं, परंतु द्वितीय चरण में उन्हीं चिंताओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ जो है आर्थिक लाभ बढ़ने लग जाएगा। तीसरे चरण में जब सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे तो अब आप अपने परिवार की वीणा को संभालते हुए नजर आएंगे, यानी अपने परिवार पर धन खर्च, अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान देते हुए नजर आएंगे और आप उनके लिए भरसक प्रयास करेंगे कि आप अपने परिवार को संगठित करके रख सकें। साथ में आप अपने शत्रुओं का दमन भी करेंगे। सूर्य महाराज की स्थिति आपके शत्रुओं को परास्त करवाएगी, कंपटीटर्स को बीट करवाएगी। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति आपको धन लाभ करवाती है और आपको मिलने वाले प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, परंतु आपको धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य नहीं रखने के कारण से कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये कुछ इसकी स्थिति होती है। बाकी शुक्र की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र के गोचर से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। हालांकि धन प्राप्ति में कुछ रुकावटें भी देखने के लिए मिल जाती हैं, तो अष्टम भाव में जब शुक्र की स्थिति बनती है और आपके मुख्य योग कारक ग्रह हैं तो कभी कभी रुकावटों से धन आता है, परंतु शालीनता, मिलनसार होने का गुण आपके अंदर बढ़ता है। आपके अंदर जोश भी कार्यों को करने के लिए कर होगा और आप पहनावे के लिए, रहन सहन के लिए, खान पान के लिए, घूमने फिरने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शुक्र की स्थिति आपका धन खर्च भी कुछ करवा सकती है। उपाय की बात करते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यदि आप स्त्री हैं तो आपको खाली नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। हर रोज 21 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है और रोज 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।